यहां पे राजस्थान में हमारी सरकार ने आपसे झूठे वायदे नहीं किए। 21 लाख किसानों को 14,000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार ने दिया। चिरंजीव स्वास्थ्य योजना को आप जानते हो, कुछ दिन पहले मैं रेलवे स्टेशन में कुलियों से बात करने गया, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा और उन्होंने कहा हम आपसे बात करना चाहते। मैं गया, उनकी समस्या समझने, उनकी दिल की आवाज को सुनने। मुझे कहते हैं राहुल जी, राजस्थान में राजस्थान की सरकार ने जो स्वास्थ्य पे काम किया है उसने हमारी जान बचा दी। हमारे घुटने खत्म हो गए, हम वजन नहीं उठा पा रहे हैं, राजस्थान की सरकार ने हमारी मदद की, हम ये कभी नहीं भूल सकते। शिक्षा में 3,600 इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने खोले हैं। अब आप एक काम कीजिए, मैंने काम किया इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको। लोकसभा में मैं आपको एक बात बताता हूं, लोकसभा में एक दिन मैंने देखा बीजेपी के एमपी अंग्रेजी के खिलाफ लंबा भाषण दे रहे हैं। और हिंदी के बारे में बोल रहे हैं, हिंदी सबको सीखनी चाहिए मगर अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए। दुनिया में अगर आप किसी से बात करना चाहते हो आपको अंग्रेजी की जरूरत होगी। हिंदुस्तान में अगर आप किसी से बात करना चाहते हो आप हिंदी में कर सकते हो, दोनों की जरूरत पड़ती है। बाद में मैं गया पीछे, सुनिए सुनिए, बाद में मैं पीछे गया और मैंने उनसे पूछा भैया एक बात बताइए, सुनिए डिस्टर्ब मत कीजिए। मैंने कहा उनसे भैया एक बात बताइए, आपने अंग्रेजी के खिलाफ बात की, आपके जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम स्कूल में जाते हैं या अंग्रेजी मीडियम स्कूल में? इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि इनके बच्चे अंग्रेजी सीखें और गरीबों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें। मतलब दो हिंदुस्तान बने, इनके बच्चे अंग्रेजी सीखकर अमेरिका जाए, जापान जाए, चाइना जाए और गरीबों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें और बाकी दुनिया में ना जा पाए, बाकी दुनिया से बातचीत ना कर पाए। हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए। तो बब्बर शेरों, आपकी सरकार ने और आपने, क्योंकि ये सरकार आपकी है, आपने राजस्थान के लोगों को स्वास्थ्य दिया, आपने कर्जा माफ करवाया। भैया यहां पे सिलेंडर कितने का है? ये गहलोत जी ने, खारगे जी ने, मैंने ये हमने नहीं किया है, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हमें कह के करवाया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में माताओं बहनों से पैसा छीनकर 2-3 उद्योगपतियों के जेब में डाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की महिलाओं को 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिलवाया है, ये भूलिए मत।
100 यूनिट मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी बिजली आपने दी। इंदिरा रसोई में 8 रुपए के लिए खाना आप देते हो। मैंने आपको हथियार दिए हैं, चुनाव का समय है, बीजेपी के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, दो सवाल पूछिए। कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवा रहे हो? अदानी जी को आपने कितना फायदा पहुंचाया देश को बता दो। हमने आपको स्वास्थ्य दिया, 500 रुपए का सिलेंडर दिया, कर्जा माफ किया, ये आपके हथियार हैं। मैदान में जाइए, सच्चाई रखिए, और ये जो नफरत फैलाते हैं, इनके नफरत के बाजार के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलिए।